थोड़ी बहुत दुविधा तो आती है। आई होप किसी ने तेल वेल नहीं निकाला हो, क्योंकि इसका निकल सकता है यार। और अगर इधर से इधर थोड़ा भी हुए तुम, काम खत्म। चल वो चौबारे ढूंढे जिनमें चाहत की बूंदे, सच कर दे सपनों को सभी। भाई यहाँ पे दर्शन वगैरह कर लिए हैं, माथा टेक लिया आराम से, और 2 मिनट यहाँ पर बैठे भी थे। अब ऊपर जाके बैठते हैं और काफ़ी ज़्यादा ऐसे मतलब सुकून मिलता है ऐसी जगह पर आके। जगह देखो तुम, मैं बार बार बस यही देख रहा हूँ यार, खतरनाक वाला व्यू है। मेरा मन ये कर रहा है कि मैं चुप करके यहाँ पर बैठा रहूँ, भूख लग रही है तो जाएंगे नीचे बैठेंगे खाएंगे एंड बाय बाय करते हैं इस टेम्पल को। दोबारा से हम आएंगे, चलो भाई थोड़े से हैं चलें, आ जाओ। देखो इसने अपना फ़ोन वहाँ पर लगाया था वीडियो बनाने के लिए, एंड अभी हम चल रहे हैं यहाँ से। यहाँ पर अपना सामान वगैरह पड़ा हुआ था और यहाँ से निकलते हैं भाई। बहुत ही रिस्की रोड है यार, ये है भाई तगड़ा व्यू। ये देखो ये रोड है, और अगर इधर से इधर थोड़ा भी हुए तुम तो काम खत्म। ये देखो भाई मंदिर उधर पीछे रह गया, इधर से भी देखो तुम गहरा नाला है नीचे। भाई वर्थ इट है भाई आने से, इंजॉय कर रहे हैं बहुत सारा। भाई हम ऐसी जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि मतलब उस जगह पे कोई गया ही ना हो, ऐसी जगह एक्सप्लोर करने का मजा आता है। और इस जगह का नाम था नोलगढ़, और ये ट्रैक हमने लगभग 1-1.5 घंटे में सफलीट किया है। और ये रास्ता थोड़ा सा रिस्की है, तो भाई अभी दोबारा उतरने वाला रास्ता आ गया। अब तो गाइस हमें पैदल चलने में इतनी मुश्किल हो रही है, और भाई बंदा देखो इतना बड़ा बोझ उठा के नीचे आ रहा है, और रोड तो भाई है ही नहीं, रोड का तो कोई नाम निशान ही नहीं है। बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस जगह है भाई ये, आना हो तो कोई गाइड के साथ जाए, वरना अकेला तो बंदा भूल ही जाएगा इन जंगलों में। यहाँ पर ये अपनी हेलमेट इधर छोड़ गए हैं, और गए किधर भाई, छुप गए हैं क्या कहीं? हेलो, ये ऊपर चढ़े हुए हैं यार, चढ़े कैसे ऊपर? भाई डर लग रहा है इस रास्ते से भी। तो फाइनली हम ये जगह उतर चुके हैं भाई, और काफी ज्यादा डेंजरस थी, अमेजिंग। हमने लगभग 50% था, 50 से भी ज्यादा ही कर लिए कंप्लीट। ऐसे ऐसे रास्ते हैं भाई, ट्रैक ट्रैक होते हैं इस तरह के हैं, जहाँ पर थोड़ी बहुत दुविधा तो आती है। और कुछ बंदे हमारे आगे जा चुके हैं, हम आस्ता आस्ता जा रहे हैं एंजॉय करते हुए। ऐसी जगह पर आके लगता है कि हमने पता नहीं कितनी ज़िंदगी जी ली। अब दिक्कत सिर्फ एक ही आ रही है, गर्मी लग रही है यार, तो गर्मी ना लगे हम थोड़े से आगे चल के बैठेंगे। हम कुछ इस तरह की लोकेशन पे पहुंच चुके हैं यार, और यहाँ पे बिल्कुल छाया है, तो अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा धूप थी। यहाँ से हमारी बाइक के लगभग 10 मिनट का रोड रह गया। तो फाइनली गाइज हम अपनी बाइक के पास पहुंच चुके हैं, और जहाँ पर रोड है वहाँ पर पहुंच चुके हैं भाई। हेयर इज़ द बाइक। आई होप कि किसी ने तेल वेल नहीं निकाला हो, क्योंकि
इसका निकल सकता है यार। और वहाँ पे थोड़े से फ़ोटो वगैरह लेंगे हम थंबनेल के लिए। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो भाई प्लीज़ लाइक शेयर कर देना। निकलते हैं, और निकलते निकलते मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मोटो व्लॉग कर लेते हैं, बट हुआ ऐसा कि अपना माइक ही ख़राब हो गया था, तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ वॉइस। और मैंने सोचा चलो ठीक है वॉइस ओवर कर लेंगे, एंड जो हमारे बाकी राइडर्स थे वो आगे यहाँ पर रुके हुए थे, किसी दुकान से इन्होंने पानी मांग कर पिया, और शमी भैया हमें लीड करते हुए निकल गए, एंड मैं भी उनके पीछे निकल गया। और इस रोड को भाई इतना सारा इंजॉय कर रहे थे ना हम, क्योंकि ये बहुत अच्छा रोड था और इस गांव का नाम था सरना। तो फिर मेरा क्रेविंग जागती है थोड़ी सी, और मैं KTM को थोड़ा सा ओवरटेक करने की कोशिश करता हूँ, और मुझे बहुत मज़ा आता है भाई, क्योंकि ऐसे सीधे रोड पे तो मैं कर नहीं पा रहा था। और गांव चेंज हो गया आगे, ये मुझे इस गांव का मुझे पता नहीं था, बट रोड बहुत प्यारी थी, यहाँ पे राइड करने का मज़ा आ गया भाई। तो भाई ये वाली वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, और जो बंदे नए हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। See you soon in the next vlog. Take care. Bye bye.